हाँ तो स्टूडेंट अब अपन बात करने वाले हैं किसकी एडवांस के पेपर की तो आपको ये पैराग्राफ दिया गया है इसमें साफ साफ बता रहा है कि जब भी वीक फील्ड लिगेंड आता है तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो जाती है स्प्लिटिंग एनर्जी कम रह जाती है और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड आता है तो पेरिंग एनर्जी तो कम पड़ जाती है और स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा हो जाती है स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होने का मतलब पेरिंग पॉसिबल है विच वी ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले ये आ गया अब ये कोबाल्ट प्लस टू में है तो ये आपका वीक का ही काम करेगा। क्योंकि तो ज्यादा तो है।, मतलब है, है तो पैरिंग नहीं होगी तो कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल अच्छा इसमें तो स्टेबिलिटी की बात कर रहा है तो प्लस टू इस पर तो ये प्लस टू में है, प्लस थ्री में हमेशा याद रखो सेंट्रल मेटल आयन पे अगर चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी

जबकि लिगेंड स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट फॉर ई एन थ्री ग्रेटर जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं ना उनका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है नॉर्मल कॉम्प्लेक्स है।, तो है तो इसकी स्टेबिलिटी बिल्कुल ज्यादा होती है तो थर्ड वाला आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट चलते यहां पे आपको क्या कह रहा है कि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है इससे ठीक है वो ही आपका सेम पैराग्राफ था ठीक है अब आपको उसमें से क्वेश्चन देखना है तो याद रखो स्टेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन किसका है स्टेबिलिटी का <laughs> सॉरी स्टेबिलिटी का क्वेश्चन होने का मतलब है कि चार्ज डोमिनेट हो जाता है तो पहले तो इसमें प्लस थ्री यहां पर यही तो कह कहना है कि बढ़ता हुआ वैल्यू बताना है इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है तो ये प्लस थ्री में है ये प्लस थ्री में है और ये प्लस थ्री में है, तो इनकी ज्यादा होगी तो सबसे ज्यादा तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड आ गया क्रोमियम की हो जाएगी, सॉरी, ए की हो जाएगी फिर उससे कम किसकी हो जाएगी इनमें से स्ट्रॉन्ग ये है, तो बी की हो जाएगी और फिर आपका सी की हो जाएगी फिर नेक्स्ट बात करें ये प्लस टू में ही है तो सबसे कम किसकी हो जाएगी डी की हो जाएगी तो आपका आंसर कौन सा चला जाएगा थर्ड नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया है अब आपको बताना है कौन कौन सी शो करता है इनके अंदर एक से ज्यादा आंसर है आपके ठीक है मल्टी चॉइस वाले हो गए तो 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 देखो ये लिंकेज लिंकेज देगा देगा ही लिगेंड देगा, है तो एक तो होगी दूसरा ये एम ए टू बी फोर टाइप का है तो ये जी आई भी देगा ही देगा फिर ये अंदर आ जाएगा और एक एस एन बाहर चला जाएगा मतलब कि यहाँ पर एक्वस मीडियम में डिफरेंट आयन प्रोवाइड करवा सकता है अगर आयनाइजेशन इस स्पेयर और आपके कोऑर्डिनेशन इस स्पेयर के बीच आयन एक्सचेंज हो जाते हैं तो आयनाइजेशन भी देगा ही आई ये देता नहीं है तो आंसर हो जाएगा वन टू फोर क्या है ना वन टू का फोर आपका है ना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट देख लेते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू आयरन के कॉम्प्लेक्स में ये हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है तो इसका तो कितना हो जाएगा टू आयरन का एक्स मान लो ये माइनस फाइव ये प्लस वन इस गज जीरो देन एक्स इस गज आपका क्या आ रहा है प्लस टू तो आंसर ये इसका हो जाएगा प्लस टू. ये सही है पहला फिर लीनियर शेप तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका एस हाइब्रिडाइजेशन आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर है 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 का का मतलब है, ये बात भी सही है। ये वीक लिगेंड है और वीक फील्ड फील्ड लिगेंड होने का मतलब में है, में वीक लिगेंड और तो हो तो हो हो होने कोबाल्ट प्लस थ्री में है, कोबाल्ट प्लस थ्री में यह फील्ड लिगेंड की तरह रिएक्ट करेगा ऑग्जिलेट तो आपका एवरटाइजेशन डी टू एस पी थ्री आ जाएगा पेयरिंग हो जाएगी तो वन टू फोर ही इसमें रहेगा आंसर नेक्स्ट फॉर द रिएक्शन ये आपको रिएक्शन दी गई है और इसमें देखना है कितने स्टेटमेंट करेक्ट है स्टोकोमेट्रिक कोफिशियंट ऑफ एच फोर माइनस इज सिक्स तो आपको इसको बैलेंस करके देख लेना इलेक्ट्रॉन आयन मेथड से कर लो या सिंपल सा यू भी कर सकते हैं जैसे आई माइनस है ये आई टू में जा रहा है

फिर दूसरी चीज ये प्लस सिक्स का प्लस सिक्स में ना तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना इसका रिडक्शन हो रहा है तो एस टू ओ बिल्कुल यहाँ पे एक एस टू ओ प्रोडक्ट भी बनेगा एस टू क्लियर तो एस टू इज वन ऑफ प्रोडक्ट क्लियर ये आपका हो जाएगा नेक्स्ट वन टू फोर ही इसमें आ जाएगा फिर आपको यहां पे पूछा गया सिंपल सा आपको बेसिक रेडिकल बनाता है, बताने है कौन से फोर्थ ग्रुप के तो एक तो आपका निकल हो गया जिंक हो गई और कोबाल्ट हो गया और आपका कौन सा हो गया मैग्नीज हो गया सोचने की जरूरत नहीं है बहुत सिंपल सा था नेक्स्ट यहां पे आपको बताना है कि कौन से हैं जो ब्लैक कलर की पीपीटी दे सकते हैं ये ब्लैक देगा ये ब्लैक देगा ये भी ब्लैक पीपीटी देता है ये ब्लैक दे देगा निकल सल्फाइड दे, दे देगा ये दे देगा दे दे और बिस्मित का भी ब्लैक सी देता है टोटल टो सेवन आंसर आ जाएगा इसका क्लियर पहले वाले में आंसर कितना आना था फोर आने थे

नाइट, नेक्स्ट यहां पे आपको क्या करना है एएन e निकाल करके उसके अंदर 100 का डिवाइड करना है और कुछ ज्यादा खास है नहीं तो ईएन e कैसे निकालते हैं इसका एटॉमिक नंबर देखो कितना होता है 74 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी जीरो हो गई प्लस 2 कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ रही है 6 तो ये आपका कितना आ जाएगा 86 86 में 100 का डिवाइड कर दो तो आपका 0.86 आंसर आ जाएगा ओके

मतलब जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर बहुत हाई है सो वेपर फॉर्मेशन नॉट ऊपर वेपर का फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि वेपर का फॉर्मेशन तभी पॉसिबल होता है जब लिक्विड का अपना खुद का प्रेशर जो है वो बाहर के प्रेशर से क्या हो ज्यादा एज वी सी gradually decreases इन द प्रेशर प्रेशर डिक्रीज करता है अ पॉइंट ऑफ बबल बबल पॉइंट फॉर्म होता है इसका इंपॉर्टेंस यहां पर है कि व्हाट इज द बबल पॉइंट बबल पॉइंट बेटा वो पॉइंट है जहां पर पहली वेब पहली वेब जो बबल है उसका फॉर्मेशन हुआ कम्स व्हेन वी अक्रॉस द बबल पॉइंट कर्व एंड फर्स्ट बबल ऑफ द वेपर स्टेट इज फॉर्मिंग हेंस कॉल्ड द बबल पॉइंट ये यहां पर गिवन है हमारे पास नाउ वी हैव इंटरर्ड द वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम रीजन

हिंदी में हमारे पास दिया हुआ है कि एक मोल बेंजीन है जिसका प्रेशर हंड्रेड जी है और एक मोल टॉलिन है जिसका प्रेशर हमारे पास फोर्टी है दोनों को मिलाया गया और एक सोल्यूशन एक विलियन को बनाते हैं बुलबुला पॉइंट मिल जाता है जहां पर पहली बुल, पहली बबल या पहले बुलबुले का फॉर्मेशन होता है दाब घटा घटता चला जाता है आगे और दाब घटेगा लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ेगा और उसका हमें बिंदु मिल जाएगा जिसे कि हम लोग दुई पॉइंट बोलते हैं अब इससे रिलेटेड हमें ये क्वेश्चन कुछ करने हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन है इफ द प्रेशर ओवर द मिक्सचर एट द एट हंड्रेड कैलोन रिड्यूस द प्रेशर दैट द फर्स्ट बबल इज फॉर्म उस प्रेशर को कैलकुलेट करना है जहां पर हमारा पहला वेपर या पहला हमारे पास बबल का फॉर्मेशन होगा ओके okay? ओके okay. तो फर्स्ट बबल के फॉर्मेशन का मतलब है हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट लेवल के फॉर्मेशन का मतलब हो गया हमें कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर उस पॉइंट पर जहाँ पर पहला वेपर बनेगा जैसा कि हमारे पास गिवन था जो बेंजीन है बेंजीन का हमारे पास जो मोल है वो दिया हुआ है कितना बेटा वन मोल और जो टॉलिन है जिसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं दैट इज द टॉलीन इसका प्रेशर हमारे पास गिवन है बेटा इसका मोल भी हमारे पास है वन मोल और इसका जो प्रेशर दे रखा था मतलब पी नॉट मतलब इनिशियल प्रेशर B स्टैंड फॉर द बेंजीन दैट इज 100 एम एम एच जी एम एम एच जी ओके एंड द प्रेशर ऑफ द टॉलिन दैट इज कंसीडर एज पी नॉट टी टी स्टैंड फॉर द टॉलिन नाउ द प्रेशर इज इक्वल टू आई थिंक का हमारे पास कितना था 40 एम एम एच जी हमारे पास गिवन था इसका जो प्रेशर था वो कितना था 40 एम एम एच हमारे पास गिवन था टॉलिन का प्रेशर 40 एम एम एच जी हमारे पास टॉलिन का प्रेशर था ठीक है अब हमें वो प्रेशर निकालना है जहां पर फर्स्ट बबल बना फर्स्ट बबल का मतलब है हमें सीधा सीधा पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर जो होगा उस पर्टिकुलर 300 केल्विन पर दैट वो वो पॉइंट होगा जहां पर पहला वेपर बनेगा तो आपने राउंड लॉ पढ़ा है फॉर्मूला होता है प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्ल टू पी नॉट ए मतलब यहां पर हम लोग ले रहे हैं बी फॉर बेंजिन एक्स ऑफ बेंजिन प्लस पी नॉट ऑफ टॉलिन इंटू एक्स ऑफ टॉलिन ठीक है दोनों का वन वन मोल है तो ऑबी बात है यहां पर कह सकते हैं कि एक्स ऑफ बेंजिन एक्स ऑफ बेंजीन जो होगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा एक्स ऑफ बेंजिन टोटल मोल कितने हो गए टू तो वन बाई टू दैट इज जीरो जीरो पॉइंट फाइव और अगर हम लोग एक्स ऑफ टॉलिंग के बारे में बात करेंगे तो एक्स ऑफ टॉलीन भी हमारे पास हो जाएगा जीरो okay? है, आसान है <coughs> थ्योरी ज्यादा है क्वेश्चन के अंदर लेकिन एक्जैक्टली exactly कॉन्सेप्ट के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ईजी है पी नॉट हमारे पास कितना था हंड्रेड मोल फ्रैक्शन इसका हो गया पॉइंट फाइव ठीक है इसका हमारे पास दे रखा था प्रेशर कितना बेटा 40 और इसका मोल फ्रैक्शन हमारे पास इसका भी हो गया कितना बेटा 0.5 फाइव डेट इज फोर्टी सो यहां से हमारे पास आ गया 50 और ये आ गया हमारे पास कितना बेटा 20 एंड योर आंसर इज 70 एम एम एच जी सेवेंटी एम एम एच जी मींस वो प्रेशर जहां पर पहला बबल बना वो प्रेशर हमारे पास थ्री हंड्रेड पर क्या है सेवेंटी एम एम है जो कि वेपर प्रेशर ऑफ क्या है लिक्विड सो so, अगर हम लोग आंसर देखें तो इसमें हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा फोर्थ आंसर इज करेक्ट कि पहला बबल हमारे पास किस पर्टिकुलर प्रेशर में बनेगा डन ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द फर्स्ट बबल फर्स्ट बबल का हमें कंपोजिशन क्रिएट करना है कंपोजिशन को कैलकुलेट करना है कि पहली बबल का कंपोजिशन क्या होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें फर्स्ट बबल का कंपोजिशन कैलकुलेट करना है फर्स्ट बबल मतलब जो बबल पॉइंट पर पहली बबल बनी उसका कंपोजिशन कैलकुलेट करना है अगर हम लोग देखें तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमने कैलकुलेट किया था बेटा 70 एम लास्ट क्वेश्चन में 300 हंड्रेड कैल्विन टेम्परेचर पर ठीक है यहां पर हमारे पास ए कंपोनेंट हमने माना है टॉलीन को और इसका हमारे पास पी नॉट ऑफ टॉलीन गिवन कितना था बेटा हमारे हमारे पास पास रखा था. Of toline, 40 mmHg हमारे पास था. अब हमें इसका composition calculate करना है तो वाई ए बराबर हमारे पास आ गया क्या पी नॉट ऑफ toluene इन टू दियर मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन स्टेट ठीक है अपॉन टोटल प्रेशर अगर हमें कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर कंपोजिशन को हमारे पास हो गया टोटल प्रेशर तो पी नॉट हमारे पास कितना है दैट इज 40 मोल फ्रैक्शन कितना है मोल फ्रैक्शन इसका 0.5 है टोटल प्रेशर कितना है 70 है तो यहां से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 मतलब ये आ गया 20 बाई सेवेंटी एंड देन योर आंसर इज 2 बाई सेवन ओके अगर ये हमारा 2.2 पॉइंट टू है तो वाई हमारे पास कितना आ जाएगा वाई के लिए भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कैसे इसका प्रेशर कितना था 100 मोल फ्रैक्शन अगेन 0.5 पॉइंट अपॉन टोटल प्रेशर 70 देन दिस इज 50 बाई 70 एंड योर आंसर इज 5 बाई 7 तो फर्स्ट बबल के कंपोजिशन में बेंजीन 5 बाई 7 है और टॉलिन जो है वो कितना है बेटा 2 बाई 7 अगला सेक्शन बी का हमारे पास क्वेश्चन है मोर देन वन ऑप्शन है यहां पर जिंक ऑक्साइड व्हाइट कलर एट द रूम टेम्परेचर एक्वायर येलो कलर ऑन हीटिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अगर ऐसा होता है कि जो हमारा जिंक ऑक्साइड है वो कमरे के टेम्परेचर पर व्हाइट कलर है लेकिन जैसे ही उसको हम लोग हीट करते हैं वो येलो कलर रिप्रेजेंटेट करता है तो इस फिनोमुना में इनमें से कौन सा जो रीजन है वो सही नहीं होगा ठीक मतलब इस फिनोमुना के लिए कौन सा रीजन रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो पहली बात करें अगर हम लोग जिंक इज अ ट्रांजिशन मेटल ट्रांजिशन मेटल की वजह से इसका कलर येलो हो रहा है तो अगर हम लोग जिंक ऑक्साइड में देखे तो जिंक ऑक्साइड में जेडन ओ है हमारे पास जेडन ओ मतलब जिंक ऑक्सीडेशन हमारे पास नंबर क्या है भाई प्लस टू और हम सभी को पता है इस समय इसका डीटेन कॉन्ट्रीब्यूशन है और डी टेन कॉन्ट्रीब्यूशन में कलर प्रॉपर्टी पॉसिबल नहीं होती मतलब ये जो येलो कलर जनरेट हो रहा है वो डी डी ट्रांजिशन की वजह से तो नहीं जनरेट हो रहा मतलब पहला ऑप्शन तो हमारा इस पर्टिकुलर फिनला के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है सो द फर्स्ट आंसर इज इन करेक्ट द नेक्स्ट वन पैरा मैग्नेटिक नेचर ऑफ द कंपाउंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कंपाउंड कलर प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है मतलब सेकेंड हमारे पास जो है वो भी क्या है ऑप्शन गलत हो गया थर्ड पॉइंट देखते हैं द ट्रैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द साइट ऑफ वैकेटेड बाई द ऑक्साइड एंड ऑक्साइड आयन के द्वारा उत्पन्न की गई रिक्तिका को या रिक्त स्थान को इलेक्ट्रॉनों द्वारा ग्रहण किया जाता है बात बिल्कुल सही है जब हम लोग जेडनो को हीट करते हैं जेडनो को हीट करने पर होता क्या है कि जो ओ माइनस टू आयन है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है टू इलेक्ट्रॉन को और कन्वर्ट हो जाता है वन अपू ओ टू में मतलब ऑक्सीजन के फॉर्म में बाहर चला जाता है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जैसे सपोज ये हमारे पास जिंक ऑक्साइड का स्ट्रक्चर है जिंक ऑक्साइड का स्ट्रक्चर है यहां पर हमारे पास ओ माइनस टू था ये ट्रैप हो गया बाहर गया तो इसने क्या किया अपनी ही पोजीशन पर जो उसने वैकेट किया था उसी पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया भाई ट्रैप कर दिया इलेक्ट्रॉन को वहीं पर छोड़ दिया और इस वजह से इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस आती है जिसकी वजह से कलर प्रॉपर्टी पॉसिबल होती है मतलब जब जिंक ऑक्साइड को हीट किया जाता है तो ऑक्साइड आयन अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर देते हैं थ्रो कर देते हैं फेंक देते हैं वहां पर छोड़ देते हैं और जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से कलर प्रॉपर्टी पॉसिबल होती है मीन द ट्रैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द साइट ऑफ वैकेटेड ऑक्साइड आयन ये बिल्कुल सही आंसर है मतलब थर्ड वन हमारा सही है फर्स्ट गलत था सेकेंड गलत था नाउ फोर्थ को देखते हैं फोर्थ बोला ट्रैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ दोवाइड बाई विच प्रोवाइड बाई इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ द लेटेस्ट विच प्रोवाइड बाई द ऑक्साइड ऑक्साइड आयन द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रॉन अंतराकाशी इलेक्ट्रॉन पर चले जाते हैं गलत बात है सिंपल सी बात है वो उसी साइट पर जा रहे हैं वो इस इंटरस्टिशियल साइट पर नहीं जा रहे वो केवल कहां जा रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन उस साइड पर जा रहे हैं जहां ऑलरेडी हमारा ऑक्साइड प्रेजेंट था तो अपन कह सकते हैं कि ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन फोर्थ नॉट करेक्ट फॉर फॉर द द कलर प्रॉपर्टी ऑफ जिंक ऑक्साइड ऑन हीटिंग अब हमारे पास सेक्शन बी का सेकंड क्वेश्चन है जो कि सोल्यूशन से बिलोंग करता है विलियन से बिलोंग करता है पहला वाला जो क्वेश्चन था वो हमारा सॉलिड स्टेट से बिलोंग कर रहा था यहां पे लिखा है कि 0.2 मोल ऑफ ए एंड 0.3 मोल ऑफ बी मतलब 0.2 मोल ऑफ ए और 0.3 मोल्स ऑफ बी आर टेकन इन अ सेपरेट बीकर एंड इनक्लोज्ड इन अ चेंबर अलग-अलग बीकर में रखा और उनको एक चेंबर के अंदर इनक्लोज कर दिया ध्यान से समझना ये हमारे पास एक बीकर था यहां पर हमने ए को रखा ये हमारे पास दूसरा बीकर था यहां पर हमने बी को रखा और इनको एक चैम्बर के अंदर क्या कर दिया है इनक्लोज क्लियर है ओके okay. मतलब अब दोनों के लिए जो प्लेश जो हमारे पास अवेलेबल वॉल्यूम है वो चैम्बर वॉल्यूम है जिस चैम्बर का हम लोगों ने मेंशन किया है फर्स्ट से ठीक है बोल रहा है द अनदर जीरो पॉइंट टू ऑफ एंड जीरो पॉइंट थ्री आर बी मिक्स इन ए कंटेनर एक बीकर में मिक्स कर दिया एक बीकर में मिक्स कर दिया अब दोनों को और दोनों को मिक्स करके हमने क्या कर दिया है एक के अंदर रख दिया दिया और इस को हमने बोल सेकंड यहां पर इनकरेक्ट है, है।, okay, है, है एक बात तो सिंपल सी दोनों तरफ अगर हम लोग देखें इक्विलिब्रियम कंडीशन है प्रेशर दोनों तरफ का क्या होगा सेम होगा या हम लोग कह सकते हैं कि दोनों जगह पर जो मोलर कंपोजिशन है वो क्या है सेम मोलर कंपोजिशन सेम है इक्विब प्रेशर है इसका सीधा सीधा अर्थ है सीधा सीधा मतलब है कि दोनों चैम्बर्स का प्रेशर क्या होगा बराबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है मतलब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन मिल गया है कि भाई जो प्रेशर है वो दोनों जगह का बराबर है क्योंकि कंपोजिशन क्या है सेम अब जरा देखते हैं पहला वाला दे रखा है द वेपर प्रेशर ऑफ द चेंबर फर्स्ट इज ग्रेटर वेपर प्रेशर ऑफ चें सेकेंड गलत बात द वेपर प्रेशर ऑफ द चेंबर फर्स्ट इज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ चेंबर चेंकेंड गलत बात उसके बाद है फोर थर्ड हमारा द द वेपर प्रेशर ऑफ बोथ आर इक्वल बिल्कुल सही बात है कि दोनों तरफ कंपोजिशन सेम है कंडीशन है मतलब दोनों का प्रेशर क्या होगा बराबर होगा द वेपर प्रेशर ऑफ चेंबर फर्स्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड ये तो बिल्कुल फालतू की बात हो गई इससे कोई लेना देना नहीं है मतलब हम लोग कह सकते हैं थर्ड फर्स्ट ऑप्शन गलत है सेकेंड ऑप्शन गलत है और फोर्थ ऑप्शन गलत है मतलब थर्ड आंसर बिल्कुल करेक्ट है और फर्स्ट सेकंड और फोर्थ जो है वो इनकरेक्ट हैं और हमसे इनकरेक्ट ही पूछा था मतलब हमारा आंसर होगा फर्स्ट सेकंड और फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एडजोर्शन से बिलोंग कर रहा है मतलब इट इज सरफेस केमिस्ट्री क्वेश्चन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है हमारे पास इंक्रीज द प्रेशर इंक्रीज लिए हम लोग इक्वेशन करते हैं एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू के पी पावर ऑफ वन अपॉन एन अगर प्रेशर की कोई भी कंडीशन मेंशन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है इसको वेरी हाई प्रेशर नहीं मान सकते इंडिपेंडेंट कंडीशन बिल्कुल नहीं एज्यूम करेंगे और वहां पर कह सकते हैं कि एड्जॉर्शन का जो अमाउंट है वो प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा बढ़ेगा मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज परफेक्टली करेक्ट द सेकेंड वन इंक्रीज द टेम्परेचर में डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एड्जॉर्शन ये तो बिल्कुल सी सिंपल सी बात है अगर फिजिकल और केमिकल एड्जोर्शन बिल्कुल नहीं दे रखा है इसीलिए बोला है मे बी मे डिक्रीज मतलब जब हमारे पास ये क्लियर नहीं है कि वो फिजिकल uh, एड्जॉर्शन है या केमिकल एड्जॉर्शन है तो प्लीज हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट को बिल्कुल यूज नहीं बोलेंगे और सीधे बोल देंगे कि अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो एडजॉर्शन का रेट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा मतलब रेट ऑफ एडजॉर्शन अमाउंट ऑफ विल बी डिक्रीज ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर ओके द नेक्स्ट वन द एडजॉर्शन मे बी मल्टीलेयर्ड और मोनोलेयर्ड फिर से वही बात दोनों हो सकते हैं क्योंकि यहां पर केमिकल और फिजिकल एडजोर्शन कंप्लीटली मेंशन नहीं है मतलब द एड्जॉर्शन में भी मोनोलेयर्ड एंड मल्टीलेयर्ड मीन ऑप्शन सेकंड भी करेक्ट है ऑप्शन थर्ड भी करेक्ट है लास्ट बात करते हैं द पार्टिकल साइज ऑफ विल नॉट बी एफेक्टेड टू देशन बिल्कुल करता है। जितना जितना होगा वॉल फोर्स ज्यादा होगा और वंरवॉल्ड फोर्स ज्यादा होगा इसका मतलब का रेट भी ज्यादा होगा वॉल फोर्स कम होगा एड्जॉर्शन का रेट कम होगा मीन वी कैन से साइज ऑफ पार्टिकल मस्ट बी एफेक्टेड टू क्या भाई रेट ऑफ एड्जोर्शन मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज इन करेक्ट एंड योर आंसर इज वन टू एंड थ्री अगला क्वेश्चन क्वेश्चन सेक्शन सी का है और यहां पर जो क्वेश्चन है हमारे पास वो हेनरी कांस्टेंट के साथ में रिलेट हुआ है और सभी को पता है हेनरी कांस्टेंट आने का सीधा मतलब हो गया कि सॉल्यूशन बिलोंग्स टू द क्वेश्चन बिलोंग्स टू द सॉल्यूशन ओके क्वेश्चन है हमारे पास एट इन टेंस पावर एक्स

डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोल फ्रैक्शन के हमारे पास और पार्शियल प्रेशर ऑफ अगर गैस निकालना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस निकालने का मतलब हमारे पास दे रखा है कि जो प्रेशर है वो फोर टोटल प्रेशर ऑफ द वाटर और इस समय जो मोल मिक्सचर uh, का परसेंटेज मोलर मिक्सचर है वो हमारे पास क्या दे रखा है मिक्सचर के अंदर वो हमारे पास कितना दे रखा है ट्वेंटी फाइव तो यहां से अगर हम लोग देखें तो निकाल सकते हैं पी जो कि प्रेशर है मोल परसेंटेज हमारे पास कितना है ट्वेंटी फाइव परसेंटेज को किया तो ये क्या आ गया हंड्रेड केएच की वैल्यूएशन बेटा कितनी दे रखी है 2.5 इनटू क्या भाई 10s पावर क्या बेटा 3 क्लियर ओके नाउ अगर हम लोग निकालें तो यहां से आ जाएगा इनटू क्या हो गया बेटा हमारे पास एक्स से जो कि वाटर का हम लोग कह सकते हैं कि जो गैस का है वो मोल फ्रैक्शन है तो एक्स से बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा एक्स से इज इक्वल टू ये नीचे आ जाएगा 4 0.25 अपॉन टू पॉइंट फाइव इंटू करोगे तो सीधे okay. पास आ गया एक्स ए मतलब वो मोल्स जो थे अब 36 mm में कितने में वो निकालना है तो मोल ऑफ वाटर निकाल लो भाई मोल ऑफ वाटर कितने आ गए मोल ऑफ वाटर बराबर थर्टी mm. सिक्स वाटर की डेंसिटी क्या होती है वाटर की डेंसिटी होती, होती, होती है वन ग्राम पर एम एल मतलब वहां से अगर हम लोग वाटर का मास निकालेंगे तो मास ऑफ वाटर डी ऑफ वाटर क्या आ जाएगा भाई डी ऑफ वाटर हमारे पास क्या है ग्राम पर है ठीक है अब यहां से अगर हमें मास ऑफ वाटर निकालना है तो डब्ल्यू ऑफ वाटर क्या हो जाएगा डब्ल्यू ऑफ वाटर हमारे पास सीधे हो जाएगा डेंसिटी इन क्या बेटा वॉल्यूम और यहां से आ जाएगा 36 ग्राम डन ओके तो 36 ग्राम वाटर आ गया मोस्ट निकालने हैं तो डिवाइड बाय 18 दैट इज इक्वल टू अब हमें है पर पर ग्राम पर होता है, that is equal to क्या भाई? या की जगह ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है एस भी यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा कितना भाई फोर इंटू टेंस पावर ऑफ माइनस फोर पर ग्राम पे था दो ग्राम में कितना हो गया ये आ गया और दो ग्राम के नंबर ऑफ मोस्ट गिवन है कितने गिवन है एट इंटू टेंस पावर ऑफ माइनस क्या बेटा

मतलब वन अपॉन एट इंटू एट प्लस वन अपॉन टू इंटू क्या तो सिक्स है ठीक बात है कहां, कहां है कह रहा है हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड और आपको शायद याद हो अच्छे से कि भाई एफसीसी अरेंजमेंट में सीसीपी पैकिंग होती है और वहां पर टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल हमारे पास होते हैं एट हाफ हो गया मतलब ए जो वीटी पर होगा मतलब टेट्राहेड्रल पर होगा वो कितना होगा भाई फोर और ए जो हमारा कहां पर होगा भाई ए जो प्रेजेंट है कहां भाई आ, इम, ए, क्योंकि सभी टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल पर है भी क्या होते हैं बेटा 4. तो हम लोग बोल सकते हैं ए के टोटल आइटम कितने आ गए ए बराबर हमारे पास कितना आ गया बेटा एट क्लियर है तो ओवरऑल अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं भाई ए के कितने हैं और एक्स फोर के फॉर्म में है मतलब यहां पर है एट ए है और प्लस क्या है फोर ऑफ एक्स फोर है तो अगर एटम्स के फॉर्म में लिखो तो क्या लिख सकते हो इज एट एंड एक्स इज इक्वल और इसको हम लोग समराइज करके लिख सकते हैं क्योंकि हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है ए एक्स टू एट और टू था ना बेटा तो यहां पर हमसे यही पूछा था कि अगर मॉलिकुलर फॉर्मूला ए एक्स और क्या था भाई एम था ना बेटा हाँ ए एक्स और एम के फॉर्म में है तो एम की वैल्यू निकालनी है तो आपको दिख गया होगा एम बराबर कितना आ गया बेटा टू गलती नहीं करनी है कुछ लोगों ने किया होगा एक्स फोर ना लेकर के एक्स मान लिया होगा जबकि ये तो हमारे पास मॉलिक्यूल के फॉर्म में है आई थिंक समझ आ गया होगा क्वेश्चन दिया है अ ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्मल यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वन सेंटीमीटर स्क्वायर इज क्लोज एट वन एंड विद द सेमी फर्मल मेमरिंग एक अपने ट्यूब को लिया और इस ट्यूब को सेमी परबल मेम्ब्रेन से मैंने बंद कर दिया ठीक है अ सॉल्यूशन ऑफ फाइव ग्राम ग्लूकोज पर हंड्रेड एम एल यहां पर मैंने ग्लूकोज को सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स को डाला जिसमें वेट ग्लूकोज का है कितना बेटा फाइव ग्राम और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या है हंड्रेड एम एल ठीक है ओके इसको प्लेस कर दिया है हम लोगों ने डिप इन टू द प्योर वाटर प्योर वाटर के अंदर मैंने डाल दिया इसको सपोज कुछ इस तरह से यहां पर मैंने वाटर भरा हुआ है सब ये वाटर है दिस इज वाटर ठीक है भाई सेमी मेम्ब्रेन है तो ऑब्वियस सी बात है ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगी जो वाटर का फ्लो होगा वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन मतलब प्योर वाटर किसके अंदर चला जाएगा बेटा जो हमारी ट्यूब है उसके अंदर चला जाएगा ओके वेन द विल बी इक्म स्टेबिलाई होने का मतलब ऑस्मोसिस वहां पर रुक गया मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करना है दोनों तरफ का प्रेशर क्या हो गया बराबर देन कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करना है सभी को याद होगा ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी पाई इज इक्वल टू क्या होता है सी आर टी जहां पर सी मोलर कंसंट्रेशन होती है एन अपॉन वी लीटर होता है इसी को हम लोग लिख सकते हैं W इंटू वन थाउजेंड अपॉन मोलर मास इंटू क्या बेटा वॉल्यूम इन एम एल डन ओके क्योंकि हमारे पास यहां पर W दे रखा है तो यहां से पाई निकालते हैं आर की वैल्यू सभी को पता है कितनी है जीरो पॉइंट जीरो एट टू वन और टेम्परेचर कैलविन में है कितना टेम्परेचर था टू सेवेंटी थ्री तो सॉरी टू सेवेंटी थ्री प्लस ट्वेंटी सेवन आंसर इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड कैलविन ओके देन पुट करते हैं वैल्यू को तो पाई बराबर हमारे पास निकालना है पाई की वैल्यू को निकालो सी की वैल्यूएशन के लिए डब्लू डब्ल्यू कितना था बेटा पांच ग्राम ग्लूकोज का उसके बाद आर आर की वैल्यू हमारे पास कितनी देर रखी है इंटू क्या कर दिया भाई हम लोगों ने हर वन थाउजेंड इंटू आर एट जीरो पॉइंट जीरो एट टू वन टेम्परेचर है थ्री हंड्रेड कैलविन अपॉन हम लोग लिख सकते हैं क्या भाई एम इंटू वी एम कितना था मोलर मास कितना था वन एट्टी और यहां पर वॉल्यूम क्या हो गया बेटा हंड्रेड एम एल क्लियर और इसको सोल्व करेंगे हंड्रेड से ये हंड्रेड निपट जाएगा ऊपर वाला हमारा आ जाएगा फाइव इंटू थ्री हंड्रेड ये आ जाएगा इन टू जीरो पॉइंट एट टू वन अपॉन और अब सॉल्व करके आंसर को जब कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर फाइनली हमारे पास मिल जाएगा सिक्स पॉइंट एट फोर के आसपास का आंसर मिलेगा जो कि हमारे पास ऑप्शन में गिवन था ठीक है इसको सॉल्व करके इसका आंसर कैलकुलेट कर लेंगे बेटा अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन है बोला है द पोटेशियम क्रिस्टलाइज इन अ बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्यूबिकलेटिस एजलेंथ ए इज इक्वल टू फाइव पॉइंट टू एंड स्ट्रॉन्ग वॉट इज द नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू नेबर एटम दो नेबर एटम के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है बीसीसी अरेन्जमेंट सभी को याद होगा मतलब एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ बॉडी ये कॉर्नर पर एटम्स हैं और एक एटम हमारा सेंटर ऑफ बॉडी होगा यहां से अगर हम बॉडी डायगोनल को ले लें तो ये जितने भी एटम बॉडी डायगोनल पर हैं ये एक बॉडी डायगोनल है इस पे जो भी एटम्स हैं वो आपस में पूरी तरीके से टच कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं भाई आपस में टच कर रहे हैं और बॉडी डायगोनल का सबको डिस्टेंस पता है क्या होता है भाई ए रूट थ्री अब दो नियरेस्ट एटम के बीच का डिस्टेंस रेगुलेट करना है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस चाहिए मतलब सीधे देखे तो हमें टू आर डिस्टेंस चाहिए ये पूरा ए रूट थ्री बाई टू था तो यहां पर जो डिस्टेंस ये नियरेस्ट एटम का डी आएगा वो कितना हो जाएगा भाई हमारे पास ए रूट थ्री बाई टू ठीक है अब हमें निकालना है तो हम लोग निकाल सकते हैं दैट इज इक्वल टू डी अब यहां पर लिख सकते हैं डी बराबर ए की वैल्यूएशन दे रखी है फाइव पॉइंट टू रूट थ्री की वैल्यूएशन वन पॉइंट सेवन थ्री टू अपॉन टू इसको सॉल्व करेंगे तो अबाउट आंसर हमारे पास मिलेगा फोर पॉइंट फाइव आई थिंक सभी लोगों ने क्वेश्चन किया होगा क्योंकि बड़ा इजी क्वेश्चन है आई थिंक समझ में आ गया होगा बेटा ओके डन